वैसे तुम्हारा तारीफ जो हमें ना कई बार करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा तारीफ हम इसलिए नहीं करते हैं कई बार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। ये ले लिया हमने तुलसी का पत्ता, आजकल जो है तुलसी वाली चाय पीते हैं। आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, सभी को जुकाम हो गया है तो अब यही कर रहे हैं, तुलसी वाली चाय पीते हैं और जितना परहेज कर सकते हैं उतना परहेज करते हैं। जल्दी अब लीजिए। ले आए तुलसी, पढ़ाई करना बहाना नहीं। फिर जी जैसे हमारा पढ़ाई खत्म हो गया तो हम खाना बनाने की तैयारी करने लगे, और तब तक मेरे पति देव भी आ चुके थे जिम से। और क्या चल रहा है? सरसों का साग। वाह, मजा है फिर? आजकल देख रहे थे दीदी सरसों का साग लेते आते हैं। अच्छा है, अभी साग का तो टाइम आया ही है। बाकी सब्जी तो महंगा भी होगा बहुत। हाँ, तो साग कौन सा सस्ता है? 30 रुपया में देता है साग। तब भी बाकी सब जो है 60 रुपया 80 रुपया सब जो है उसके मुकाबले तो सही है। हाँ, अभी साग का टाइम भी आ रहा है, अभी साग थोड़ा सा महंगा है, सस्ता मिल जाएगा, 10 रुपया में सब मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे देखो, अनार छील के भी रखे, थोड़ा दाना निकाल के। सेब नहीं छिली? भूख लग गया बहुत तेज। ब्रेड तो होगा नहीं? ब्रेड खत्म हो गया, ले आते हैं ब्रेड। हाँ जाओ ले आओ। फिर जी हम निकल लिए ब्रेड लेने के लिए, और जब ब्रेड लेने के लिए जा रहे थे तब साथ में डैडी ने कुछ और भी काम लगा दिया। जी हुआ ये था कि हमारे घर में पेंट खत्म हो गया और अभी भी पेंट का काम चल रहा है, तो डैडी ने कहा कि जब मार्केट जा ही रहे हो तो वहाँ से ले भी लो। और जी जब गए और जिस शॉप से हम लेते हैं वह शॉप तो खुला ही नहीं था, फिर हम चले गए दूसरे मार्केट वहाँ पर लेने के लिए। वैसे सुबह सुबह बहुत कम ही शॉप खुला रहता है, लेकिन फिर भी चले गए कि चलो कोई एक दुकान खुला होगा तो वहीं से ले लेंगे। तो जी फिर हम चले गए और भाग्य भरोसे मिल भी गया। ये वाला 1 लीटर में व्हाइट कलर का साइन वाइट दिए, उनको इस टेम्पर दे दें 10 किलो। जी सुना आपने इस आवाज को? खास करके वो लोग जो बिहार के होंगे वो तो स्पेशली रिलेट कर रहे होंगे इस आवाज से। डेली सुनते होंगे वो लोग, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव का चल रहा है माहौल, तो सुनते ही होंगे, प्रचार तो चल रहा ही होगा ना। हाँ जी, लेकिन इस बार उतना चुनाव प्रचार देखने को नहीं मिला जितना पहले देखा करते थे। इस बार हो सकता है कोविड की वजह से ज्यादा रैली नहीं निकला हो। अभी से 7-10 दिन पहले तक तो लग ही नहीं रहा था कि बिहार में कोई चुनाव भी है, अब हमारे कटिहार में दिख रहा है कि हाँ अब कुछ चहल पहल है, क्योंकि 7 तारीख का इलेक्शन है ना हमारे कटिहार में। हाँ जी, एक ब्राउन ब्रेड दीजिएगा, ये भी आपका एक्सपायर कर गया का। 2 तारीख का है। फिर जी हम ब्रेड लेकर के निकल गए और जब अपने घर पहुंचने ही वाले थे, रास्ते में ही हमें अपनी कॉलोनी के लालटू भैया मिल गए, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होने लग गई। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। यूट्यूबर फ्रेंड? अच्छा, देख रहे हैं व्लॉग? देख रहा, मेरा भाई भी देख रहा है। अच्छा धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है जी। अच्छा लगता है जानकर कि अपनी कॉलोनी के लोग भी आपका काम देख रहे हैं और आपके उस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि फर्जी आईडी बना करके और फालतू कमेंट करके आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं। पर से तब देखिए खुल गया। फिर जी जब हम घर पहुंचे तो पत्नी महारानी जो है नाश्ता तैयार करके रखी थी, कब से तैयार करके रखे थे, इंतजार कर रहे थे, अब आ गया। जी असल में क्या हुआ था कि हमको थोड़ा दूर जाना पड़ गया था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। और जी यहाँ देखिए पत्नी महारानी जो है मोबाइल निकाली है, और हमारी जो सबसे नन्हे सब्सक्राइबर है, सबसे जो क्यूट सब्सक्राइबर है, उनका वॉइस नोट देख रही थी। मेरा
जानवन प्रिंसी का बर्थडे आने वाला है, तो यदि आप जानवन प्रिंसी हमारा वीडियो देख रहे हो तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो आप। फिर जी जैसे ही हमारा नाश्ता खत्म हो गया, पतिदेव चले गए अपने काम पे और हम अपने काम पे लग गए किचन में। साग को जो काट करके रखे थे ना, उसी को हम धो रहे हैं। धो करके कुकर में डाल के नमक डाल करके चढ़ा देते हैं। जब चार सीटी लग जाती है तो उसमें बचा हुआ जो पानी रहता है कढ़ाई में डाल करके उसको सुखा देते हैं। जब सूख जाता है तो उसमें कच्चा सरसों तेल दे देते हैं और हरी मिर्च डाल करके, बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं हम। अभी साग का सीजन चल भी रहा है और पतिदेव को, डैडी को बहुत ज़्यादा साग पसंद है, इस वजह से हम बराबर बनाते भी रहते हैं। इन लोगों के साथ हम भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। फिर जी हम साग चढ़ा दिए और उधर से डैडी का ऑर्डर आता है कि चाय बना दो, तो फिर हम चाय बनाने लगे तुलसी वाली। वैसे तो चाय हमारे घर में हर लगता है हर घंटे में बनते रहता है। फिर जी हम चाय बना लिए, उसके बाद हम परवल का यहाँ मसाला वाला बना रहे हैं, जो मसाला भर के बनाया जाता है। डेली परवल का भुजिया खा खा के थोड़ा सा उब गए थे, तो सोचा कुछ अलग बना लेते हैं। तो परवल को थोड़ा सा बस छील रहे हैं ऊपर ऊपर से, उसके अंदर में जो बीज होता है ना उसको काट करके हम निकाल लेंगे। और जी यहाँ पे हम सूखा मसाला भून रहे हैं, जिसमें खड़ा लाल मिर्च, धनिया और खड़ा जीरा है। फिर जी सूखा मसाला भूनने के बाद बारी आती है मसाला तैयार करने की। तो मसाला में हमें चाहिए प्याज, लहसुन और परवल का जो हम बीज निकाल के रखे हैं वो भी, और सूखा मसाला जो हम भून के रखे हैं, सबका मिला करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जी हम परवल को जो काट करके रखे थे ना, उसको अब फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। और जब हमारा मसाला का पेस्ट तैयार हो जाएगा तो मसाला को भी हम भून लेंगे। वैसे तो जी मसाले में हम सब कुछ डाल चुके हैं, बस हल्दी और नमक डालना है। और हल्दी और नमक डालने के बाद अच्छे से भून लेना है जब तक उसका कलर ब्राउन नहीं हो जाए। और जी ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। और इसी बीच में पतिदेव को लगता है कि काम से मन उब गया होगा, इंटरटेनमेंट करने के लिए हमारे किचन में पहुंच जाते हैं। कभी कभी तुम्हारा दिमाग ने काम कर जाता है अच्छा खासा, जैसे अच्छा। कि कल तो मेरा दिमाग काम किया, काम किसने किया? अच्छा नहीं तो ऐसे ही काम चलता है ना, तुम्हारा दिमाग मेरा काम, कभी मेरा दिमाग तुम्हारा काम। उसे तुम्हारा तारीफ जो हमें ना कई बार करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा तारीफ हम इसलिए नहीं करते हैं, कई बार होता क्या है जी, इसकी तारीफ कर देते हैं या जब ये मेरी तारीफ कर देती है अपना भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हम भी ऐसा करते हैं, तो जब हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है उस टाइम गिनाना शुरू कर देते हैं, मैंने ये काम कर दिया था, मैंने वो काम कर दिया था। वैसे हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन कौन गिनाता है पति पत्नी में कि हमने तुम्हारे लिए कर दिया। कुछ होता है ना तो हम उससे आपको नहीं बताएंगे, तो वो परेशान करोगे आप। अच्छा कितना दिन छुपाना हस्बैंड से, बता ही देते हैं आप, बाद में फिर मजे लेते हो। कभी कभी ऐसा समय आता है सोचते हैं कि तारीफ नहीं करे तो अगले दिन कल ये बात ना मुसीबत पड़ जाएगा। बिल्कुल यही एक दिक्कत रहता है जी। फिर जब हमारा मसाला भून के तैयार हो जाएगा तो उसको हम परवल में भर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल करके कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई कर देंगे और हमारा मसाला वाला परवल तैयार हो जाएगा। A few moments later. और जी जब हमारा तैयार हो गया तो उसके बाद हम डैडी को जा रहे हैं खाना देने के लिए। और जी थोड़ा लेट हो गया था आज खाना बनाने में, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तो जी आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? क्या क्या नोटिस करेंगे वो? आजकल डैडी के सामने भी कैमरा जाता है और वीडियो भी शूट होता है। हाँ जी ये थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई है, और खासकर जब से आप मालूम चल गया है डैडी को कि अब ये व्लॉगिंग करता है, तो कभी कभी ले आते हैं कैमरा उनके सामने। पता तो बहुत पहले चला था लेकिन डर लगता था, इनको जाते ही नहीं थे। आजकल तो हमको डर लगता है, इनको डर नहीं लगता। तो जी अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह व्लॉग आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और जी एक शेयर जरूर कर दें, इससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।